ये वीडियो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड में जो बीके का एग्जाम देंगे एज वेल एज सीबीएसई के स्टूडेंट्स जो है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के अकाउंटेंसी के पेपर के लिए भी इश्यू ऑफ शेयर टॉपिक है तो उनके लिए काफी हेल्पफुल ये वीडियो हो सकता है तो ध्यान से देखिए और ध्यान से इस सारे चीजों को रिवाइज करें अगर हम इश्यू ऑफ शेयर की बात करें तो महाराष्ट्र बोर्ड में ये जो चैप्टर है ये एट मार्क्स का पूछा जाता है और इस चैप्टर के ऑप्शंस में थियरी क्वेश्चंस पूछा जाता है तो हमको इश्यू ऑफ शेयर में कुछ बेसिक चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपके वो बेसिक चीजें क्लियर है तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट पेपर में पूछे जाए यू कैन इजिली सॉल्व दो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें होता है वो होता है एप्लीकेशन उसके बाद होता है अलॉटमेंट उसके बाद होता है फर्स्ट कॉल उसके बाद होता है फाइनल कॉल फाइनल कॉल के बाद होता है आपका फोर फीचर फोर फीचर के बाद होता है आपका री इशू और री इशू के बाद आपका जो भी बैलेंस होता है दैट बैलेंस इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट तो सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस में हमको बेसिक दो जर्नल एंट्रीज के बारे में याद रखना है कौन सी एंट्रीज होगी क्या होगी वो हम एक बार प्रॉपर स्क्रीन पे लिख के देखेंगे एग्जैक्टली exactly कि जर्नल एंट्रीज क्या होती है लेकिन एप्लीकेशन में दो एंट्रीज आपको याद रखनी है मैं बेसिक सिंपल कंसेप्ट पहले एक्सप्लेन करवाता हूं देन हम ऑन स्क्रीन सारे जनरल एंट्रीज को भी ध्यान से समझेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन में सबसे पहले होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव उसके बाद होता है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड पहला स्टेप क्या है एप्लीकेशन मनी रिसीव दूसरा स्टेप क्या है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड अब उसमें कुछ बेसिक चीजें ऐसी होती है कि कभी कभी रिफंड हो जाता है तो अगर रिफंड हो जाएगा तो आपको एप्लीकेशन मनी जो रिसीव्ड uh, है उसी का रिवर्स एंट्री करना है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन मनी रिसीव में क्या हम एंट्री क्या करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो जब कभी भी आप रिफंड करोगे तो रिफंड में आप एंट्री क्या करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बस दैट इट दैट इज देश कंसेप्ट तो एप्लीकेशन में दो एंट्री आपको ध्यान रखना है नंबर वन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड नंबर सेकेंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर और अगर कभी रिफंड आता है तो एंट्री नंबर वन जो हम करेंगे उसका रिवर्स एंट्री करेंगे पहले ये चीजें डिस्कस करता हूं फिर प्रोरेटा में एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड का भी कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे ऑन स्क्रीन पूरे जर्नल एंट्रीज लिख के दिखाऊंगा तो वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए स्टार्ट टू एंड तक देखे और इससे अपने नोट्स प्रिपेयर करना ना भूले नंबर वन एप्लीकेशन में हमने दो कंसेप्ट सीखे अभी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कहां पे ट्रांसफर करते हो एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में आप ट्रांसफर करते हो सिमिलरली आपको एप्लीकेशन में दो एंट्री अलॉटमेंट में दो एंट्री याद रखना है एंट्रीज कौन सी है मैं आपको बताऊंगा पहली एंट्री है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड दूसरी एंट्री है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर ठीक है उसमें उसके अंदर फिर रिफंड का कंसेप्ट भी हमने डिस्कस किया है नेक्स्ट स्टेप विल बी एलॉटमेंट अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव तो अलॉटमेंट मनी ड्यू में कभी कभी प्रीमियम होता है वो हम जर्ल एंट्री डिस्कस कर लेंगे पहले आप स्टेप्स याद रखो स्टेप्स अगर याद रहेंगे तो आपको जर्ल एंट्री याद रखने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा तो अलॉटमेंट में कौन सा स्टेप्स है दो स्टेप्स है अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड अलॉटमेंट मनी अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव ठीक है ध्यान से सिंपल कंसेप्ट है उसके बाद आता है आपका फर्स्ट कॉल तो फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल मनी ड्यू और फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऐसे दो कंसेप्ट एंट्री आएंगे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा और एक फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होगा ठीक है बहुत सिंपल है उसके बाद आपका स्टेप आता है फाइनल कॉल का फाइनल कॉल में भी यही दो स्टेप आते हैं फाइनल कॉल मनी ड्यू एंड फाइनल कॉल मनी रिसीवड ठीक है due, तो एप्लीकेशन में दो एंट्रीज हो गया फर्स्ट कॉल में दो एंट्रीज हो गया अलॉटमेंट में दो एंट्रीज हो गया और फाइनल कॉल में दो एंट्रीज हो गया तो एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन अगर आप इस चैप्टर से देखोगे तो एप्लीकेशन में दो एंट्री अलॉटमेंट में दो एंट्री फर्स्ट कॉल में दो एंट्री और फाइनल कॉल में दो एंट्री ऐसे आपके टोटल एट एंट्रीज होंगे एप्लीकेशन के दो अलॉटमेंट के दो फर्स्ट कॉल के दो और फाइनल कॉल के दो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके बाद आपका स्टेप होता है जो लोग एप्लीकेशन या फर्स्ट कॉल में कुछ पेमेंट नहीं करते हैं उनको हम कॉल इन एरियर्स में ट्रांसफर कर लेते हैं एंड ये जो कॉल इन एरियर्स होता है ये कॉल इन एरियर्स सीधा का सीधा आपका अगर ये पेमेंट नहीं करते हैं लोग तो इनको हम क्या करते हैं इनको हम सीधा फोरफिट कर लेते हैं इनके शेयर्स को मतलब इनके शेयर्स को हम, हम हमारे पास फिर से ले लेते हैं उसको कहते हैं सरेंडर ऑफ शेयर्स एंड दैट सरेंडर इज कॉल्ड एज फोर फ्यूचर ऑफ शेयर्स तो फोर फ्यूचर ऑफ शेयर्स एक आएगा और उसके बाद आएगा आपका रीइिट किए सारे तो कंपनी वो सारे शेयर तो 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 को फोरफिट करके फिर से उसी शेयर को रीशू करता है तो जी जो री इशू करता है वो रीइ में उनके पास जो भी डिफरेंस आता है कैपिटल रिजर्व में वो ट्रांसफर हो जाता है मतलब शेयर फोरफीचर का जो भी बैलेंस होता है वो सीधा कैपिटल रिजर्व में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है ये बेसिक कंसेप्ट है इसी के बेसिस पे आपको एट मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में देखने मिलेगा अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स है तो ये कंसेप्चुअल बेस पे आपको क्वेश्चन आते हैं पेपर में वन वन टू टू मार्क्स का जरल एंट्री बेस वो क्वेश्चन पूछते हैं कंसेप्ट क्लैरिटी के बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं तो अब हम जर्ल एंट्रीज देखेंगे एक एक करके कि कौन से कौन से जर्ल एंट्रीज है तो ध्यान से देखिए और सारे पॉइंट्स के नोट्स आप प्रिपेयर करिए सो so, आप ध्यान से देखो सबसे पहला जो स्टेप होता है सबसे पहला स्टेप हमारा होता है एप्लीकेशन का फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज़ एप्लीकेशन ना अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में सबसे पहला जो एंट्री होता है दैट इज़ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का तो फर्स्ट एंट्री इज़ ऑलवेज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पहले आपको पैसे मिलेंगे देन वो पैसे को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री नंबर वन हमेशा आपका होगा बैंक अकाउंट डेबिट क्या होगा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ठीक है एंट्री नंबर वन बहुत सिंपल है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अगर इक्विटी वर्ड है तो इक्विटी वर्ड लिखेंगे इक्विटी वर्ड अगर नहीं है तो वी विल बी राइटिंग द वर्ड शेयर एप्लीकेशन ये आपका फर्स्ट एंट्री हो जाएगा सेकेंड जो एंट्री होगा दैट विल बी शेयर एप्लीकेशन में जितना भी पैसा मिलता है वो सारा पैसा हम ट्रांसफर करते हैं तो आपका यहां पे एंट्री बनता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट क्या बनेगा एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ठीक है अगेन मैं रिपीट करता हूं अगर आपके क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड नहीं है तो आप सिर्फ शेयर एप्लीकेशन वर्ड ही एंट्री में लिखेंगे तो अभी मैं इक्विटी वर्ड यूज कर रहा हूँ अगर इक्विटी वर्ड नहीं रहेगा तो आप सिर्फ शेयर एप्लीकेशन वर्ड यूज करेंगे अभी तीसरा जो एंट्री होता है तीसरा एंट्री होता है रिफंड का कभी कभी हमारे क्वेश्चन में आता है कि दिस मैनी शेयर्स आर बीन रिफंडेड तो रिफंड में हमने एक सिंपल रूल याद रखा है वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ रूल ये है कि ये जो फर्स्ट एंट्री होता है हमारा उसी का रिवर्स एंट्री हमको करना है तो एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्या बनेगा एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट मतलब पैसा अभी हमारे पास से जा रहा है दैट इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अब और एक है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कभी कभी आपके क्वेश्चन में एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट का एंट्री आता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी प्रो रेटा वगैरह रहेगा तो ये एंट्री आने वाला है एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऐसा एंट्री आपको ध्यान रखना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड कैसे एंट्री होगा आपको हमेशा यह याद रखना है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो होता है वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हम करते हैं तो आपका जर्नल एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या होगा एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एलॉटमेंट अकाउंट तो एप्लीकेशन के स्टेप्स के अंदर इतने ही जर्नल एंट्रीज आपको करने हैं इससे के अलावा और कोई भी एंट्रीज एप्लीकेशन के स्टेप्स के अंदर नहीं आएंगे वो आपको ध्यान रखना है आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन इतना आपके पास लिख के रखे ये बेसिक चीज़ें हैं ये अगर क्लियर होगी तो एप्लीकेशन का स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा अब जो सेकेंड स्टेप हमारा होता है वो हम जाते हैं अलाटमेंट में तो सेकेंड स्टेप इज आवर अलॉटमेंट अब अलॉटमेंट में जो हम फर्स्ट स्टेप करते हैं अलॉटमेंट में दो एंट्रीज होती है फर्स्ट एंट्री होती है अलॉटमेंट मनी ड्यू और सेकेंड एंट्री होती है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की तो पहले हम ड्यू के बारे में डिस्कस करते हैं बहुत ही सिंपल है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्या है जर्नल एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जनल एंट्री इज वेरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अलॉटमेंट प्रीमियम में रहता है तो हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रेडिट डालेंगे एंड दैट एक्स्ट्रा क्रेडिट इज टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट तो ये प्रीमियम आपको तभी लिखना है जब आपके क्वेश्चन में भी प्रीमियम होगा दैट इज अवर फर्स्ट स्टेप अलॉटमेंट मनी ड्यू हमारा जो सेकेंड स्टेप होता है दैट इज अलॉटमेंट मनी का पैसा आपको मिला दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बहुत सिंपल एंट्री है जहां पे भी रिसीव्ड आएगा वहां पे हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो आपका जनरल एंट्री क्या बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जब आपको अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे तो अलॉटमेंट अकाउंट करेंगे जब आपको फर्स्ट कॉल के पैसे मिलेंगे तो फर्स्ट कॉल करेंगे जब फाइनल कॉल के पैसे मिलेंगे तो फाइनल कॉल भी करेंगे तो अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ उसमें दो एंट्रीज आया अलॉटमेंट मनी ड्यू अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अब हम हमारे अगले स्टेप पे चलते हैं हमारा तीसरा स्टेप होता है फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ठीक है फर्स्ट कॉल मनी ड्यू तो कभी कभी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू आता है कभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ आता है अब ये फर्स्ट कॉल में भी दो है सबसे पहले सब फर्स्ट कॉल में ड्यू होगा और उसके बाद रिसीव्ड होगा अभी ड्यू करता हूँ पहला एंट्री है ड्यू का इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट बहुत सिंपल है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और सेकेंड एंट्री हमारा होगा Received का लेकिन ये Received में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कभी कभी Received में एरियर्स होता है तो एरियर्स रहेगा तो क्या करने का उसके साथ ही बता देता हूँ एंट्री बनेगा Received का बैंक अकाउंट डेबिट एरियर्स अगर है आपके क्वेश्चन में किसी ने पेमेंट नहीं किया है तो आपका बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट ये भी डेबिट करना है टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ठीक है बहुत सिंपल एंट्री है एरियर्स अगर नहीं रहेगा तो तो अब हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और अगर एरियर्स रहेगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ध्यान रखना बहुत ही सिंपल है इसी के साथ हमारा फोर्थ स्टेप आता है एंड दैट इज द सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो फाइनल कॉल जब भी आएगा तब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री में ही फाइनल कॉल डालेंगे तो क्या होगा एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के जगह पे हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ये आपका ड्यू का एंट्री है राइट और सिमिलरली हम सेकेंड जो एंट्री करेंगे वो हमारे रिसीव्ड का करेंगे तो रिसीव्ड का एंट्री हम कहाँ से कॉपी करेंगे यही एंट्री को आपको यहाँ कॉपी करना है सिर्फ ये फर्स्ट कॉल जो नाम लिखा है इस फर्स्ट कॉल के जगह पे आपको क्या नाम लिखना है फाइनल कॉल लिखना है तो हमने अभी तक एप्लीकेशन रिवाइज किया फर्स्ट कॉल रिवाइज किया फाइनल कॉल रिवाइज किया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अलॉटमेंट भी रिवाइज कर लिया अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्टेप में लास्ट स्टेप बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है सबको और वो है हमारा फोर फीचर तो फोर फीचर होता क्या है फोर फीचर में जो भी शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स के पैसे नहीं भरते हैं उनके शेयर्स कंपलसरी सरेंडर हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड फोर फीचर ऑफ शेयर्स शेयर्स को फोरफिट करना तो इसमें आपको ध्यान रखना है इसमें जो जनरल हो हो एंट्री होगी वो इंपॉर्टेंट है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या होगा एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्या होगा एंट्री टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एंड टू और एक क्रेडिट होगा टू शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट क्या होगा एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट यह आपको फर्स्ट एंट्री करनी है उसके बाद सेकेंड एंट्री जो होती है दैट इज फॉर री इश्यू क्या होती है रीइश्यू ऑफ जो शेयर्स जो भी फोरफिटेड शेयर्स होते हैं कंपनी खुद के पास नहीं रखता है यही शेयर्स कंपनी री इशू कर लेता है तो इशू जब भी करेगा तो कंपनी को पैसे मिलेगा इसके लिए तभी एंट्री होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट क्या होगा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट और एक डेबिट है शेयर फॉर अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल लिख रहा हूं आपको याद रखना है अगर आपके क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड स्पेसिफाइड नहीं है तो आपको शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल ऐसा नाम लिखना है इक्विटी वर्ड नहीं लिखना है अब इसमें एक एक्स्ट्रा एंट्री लास्ट में और एक होता है कि अगर आपके क्वेश्चन में फोर फीचर भी है और री इश्यू भी है तो एक एक्स्ट्रा एंट्री हमको करना है एंड दैट एंट्री इज कॉल्ड एस ट्रांसफर ऑफ शेयर फोर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व तो उसका एक एंट्री बता देता हूँ कैसे करना है वो भी बताता हूं अमाउंट एक एग्जाम्पल लेंगे हम तो उसका एंट्री बनेगा शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्या एंट्री होगा शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ये याद रखो ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि शेयर फोर फीचर का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है तो देखो अभी जैसे कि ये शेयर फोर फीचर यहाँ पर क्रेडिट में टू थाउजेंड है एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं टू थाउजेंड इधर है और ये री इशू के एंट्री में अमाउंट में पाँच सौ रुपया है तो आपको करना क्या है इस टू थाउजेंड में से ये पाँच सौ को हम माइनस करेंगे तो हमको आंसर आएगा फिफ्टीन हंड्रेड ये फिफ्टीन हंड्रेड ये हम लास्ट एंट्री जो करेंगे उसमें लिख देंगे दैट मीन्स वॉट एवर बैलेंस ऑफ शेयर फोर फ्यूचर वी हैव दैट वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट इस तरीके से आपको एंट्रीज करनी है ये बेसिक्स अगर आपके क्लियर होंगे तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ये आपको एग्जाम में महाराष्ट्र बोर्ड में एट मार्क्स का क्वेश्चन सीधा सिंपल जर्नल एंट्रीज के बेस पे आता है इसके ऑप्शन में एक कंप्यूटर जो चैप्टर है उस उसपे रिलेटेड थियोरी क्वेश्चन पूछा जाता है तो थियरी हम बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ पे एट में से एट मार्क्स आपको मिल सकते हैं इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड के सारे आई होप कि आपको इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड जो मेजर पार्ट है देखो हर चैप्टर में कुछ बेसिक चीजें होती है और इस चैप्टर में अगर आपको एट में से एट मार्क्स लाने हैं तो सबसे पहला स्टेप जो होता है एंड दैट फर्स्ट स्टेप इज योर जर्नल एंट्री शुड बी वेरी मच क्लियर आपके जर्नल एंट्रीज अगर क्लियर नहीं होंगे तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे और फुल मार्क्स नहीं ले पाएंगे आई होप कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाए अगर आपको इसमें से कुछ सीखने मिला है तो चैनल पे सब्सक्राइब करिए वीडियो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि उनको भी इस चैप्टर का रिविजन हो पाए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट सेशन में टिल देन बाय बाय टेक केयर